नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पान के लड्डू बनाएंगे। कैसे बन सकते हैं देखिए। हम पान के पत्ते में पान के पत्ते लाई हूँ, 5 काफ़ी है मेरे लिए। अब इसको लिए जी पीछे की जो डंडियाँ होती है वो निकाल देती हूँ और फिर इसके टुकड़े कर कर के मिक्सी में पीस लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा चाहो तो दूध डाल सकते हो, दो चम्मच, या फिर 2 चम्मच पानी डाल सकते हो। मैंने दूध डाला है, आप चाहो जितने ले सकते हो, 10-15 पान के पत्ते जितने भी हिसाब से, उस हिसाब से आप बना, ज़्यादा बना रहे हो, मैं थोड़े ही बना रही हूँ। इसको देखिए मिक्सी में पीसेंगे हम। आज गणेश जी ठंडे होने वाले हैं, ये देखिए मैंने दूध डाला है 2 चम्मच, तो सोचा आज गणेश जी को पान के लड्डू खिला दिए जाएँ। मोदक भी बना सकते हैं, मोदक के सांचे में अगर डाल के इनको आप मोदक भी बना सकते हैं। ये मैंने पीस लिया है, पीस के इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें अब हम पाउडर डालेंगे। मैं पूरा मिक्सी का जार का जो निकाल के साफ़ कर देती हूँ। घुमाना है थोड़ा, इसके में जो हमने दूध डाला था वो सूख जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा, आप चाहो तो दूध डाल लो या फिर पानी डाल लो, लेकिन मैंने इसमें भी दूध डाला है क्योंकि दूध में ही थोड़ी मलाई वाला दूध चाहिए, गाढ़ा वाला दूध। और अभी तो मैं इसमें ये नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, जो बारीक पिसा हुआ होता है वो डाल रही हूँ। आप चाहो कितनी भी डाल सकती हो। मैंने ये देखिए 2 चम्मच डाला है, 2 और डालूँगी। ये देखिए 4 चम्मच डाल दिया मैंने, ये नारियल का बुरादा 4 चम्मच डाला है। अब इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, चला लेते हैं इससे चलाने। अब मैं वो डालूँगी जिसका, ये देखिए दूध, थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें, मलाई वाला दूध डाला है मैंने, 1 कप के करीब डाला है अंदाजी। मेरी भगोनी में दूध गर्म हो रहा था, मैंने उसी से डाल दिया है, तो 1 कप के बराबर डालना है बस। ये सूख जाए बस इतना डालना है। ये देखिए सूख गया। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, मैंने 2 चम्मच डाला है बस, बहुत है। आप 3-4 चम्मच बराबर भी ले सकते हो और दूध भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही डाला है और दूध भी 1 कप के बराबर अभी कम पड़ेगा लगता है, सूखा है तो और डालेंगे इसमें दूध। सूखा सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा दूध और डालेंगे, जैसे कि 1/2 कप के बराबर। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये मैंने इलायची पाउडर डाला है थोड़ा सा, ये देखते रहिए ताकि मैं आपको नई वीडियो ला के दिखाऊँ और नए नए खाने बनाना। देखिए दूध मैंने 1/2 कप के करीब अंदाजी और डाल लिया है क्योंकि सूखा लग रहा था। अब हमारा हो गया है, इसको गाढ़ा करना है दूध सूखने तक बस। ज़्यादा दूध डालेंगे तो पकने में टाइम लेता है, इसलिए हमने और गैस भी हमने कम कर दी है। ये हमने बिल्कुल चिपकने लगाया है, अब ये बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे पिसी हुई, क्योंकि मीठा होना तो ज़रूरी है ना। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी डालना है इसमें हमें 4 चम्मच। आप चाहो तो जितना मीठा खाते हो, मीठा आप 4-5 डाल दिया मैंने, स्वाद के अनुसार है कितना खाएंगे। अब इस चीनी घुलने तक, क्योंकि चीनी तो पानी छोड़ती है थोड़ा, तो चीनी घुलने तक और पकाएंगे इसको थोड़ा सा, बस थोड़ा चलाएंगे। 5 मिनट में बनने वाली मिठाई है ये, और स्वादिष्ट भी इतनी अच्छी लगती है, बाकी मिठाइयों से ज़्यादा स्वाद आता है खोई से, समय भी कम लगता है, खाने में भी अच्छी लगती है। और इसके हम मोदक भी बना सकते हैं सांचे में भर के, आप चाहो तो मोदक बना सकते हैं। ये मैं लड्डू ही बना रही हूँ, मैंने मिश्रण तैयार कर लिया है लड्डू के लिए। ये देखिए हमारी चीनी इसमें घुर गई है अच्छे से। आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाएगा तभी हम लड्डू या मोदक बना पाएंगे।
इसलिए या तो हम इसमें, मैंने ये टूटी फ्रूटी डाल ली है इसमें लाल रंग की, आप चाहो कलर कई भी आते हैं, पीले भी आता है, हरा भी आता है, हरा तो ये पहले से ही है तो इसलिए मैंने इसमें लाल रंग डाला है। लाल रंग की ये चेरी है, आप चाहो तो पीले रंग की भी डाल सकते हो। ये देखिए बन के तैयार है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने छोड़ देते हैं, किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए लड्डू बन के तैयार हो गए हमारे, गर्म है अभी, हाथ में आ नहीं रहे हैं, बहुत तेज हाथ जल रहा है तो जो थोड़ा गर्म ज़्यादा है। अभी बन के मेरे लड्डू तैयार हो गए। अगर मेरे लड्डू आपको अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि भी नई नई वीडियो लाऊं।